Hi guys, yesterday we had start our topic export order, okay? And we have discussed your practical question of your ten year question number third, okay? So today we are going also to solve a very important problem, okay? So let's see what the question number four is, okay? Question number four, what is? A company is manufacturing thousand units of a product. The present cost and sales data are as follows. सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है रुपीज टेन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है रुपीज़ फाइव फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है आपको रुपीज फोर थाउजेंड ठीक है और यूनिट्स कितने मैन्युफैक्चर हो रहे हैं थाउजेंड यूनिट्स ओके द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव ठीक है आप देखो टू अल्टरनेटिव क्या गिवन है फर्स्ट टू एक्सेप्ट एन एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर अनदर टू हंड्रेड यूनिट एट रुपीज एट पर यूनिट द एक्सपेंडिचर ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर विल इंक्रीज़ द फिक्स कॉस्ट बाई रुपीज़ फाइव हंड्रेड देखो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है एक्सपोर्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए आपको अनदर दो सौ यूनिट्स जैसे थाउजेंड तो थे ही टू हंड्रेड एक्स्ट्रा एट एक पर यूनिट पे लेना होगा ओके और इसकी वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से आपका फिक्स कॉस्ट भी कितना बढ़ गया रुपीज़ फाइव हंड्रेड से आपकी फ़िक्स कॉस्ट क्या हो गई इनक्रीज़ हो गई ओके फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गई कितने से फाइव हंड्रेड से और टू हंड्रेड कितने में लोगे एट पर यूनिट में ओके नेक्स्ट पार्ट देखो टू रिड्यूस द प्रोडक्शन प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए फ्रॉम प्रेजेंट थाउजेंड यूनिट्स टू सिक्स हंड्रेड यूनिट्स थाउजेंड से कितना सिक्स हंड्रेड एंड बाय अनदर फोर हंड्रेड यूनिट फ्रॉम द मार्केट एट रुपीज सिक्स पर यूनिट दिस विल रिजल्ट इन रिड्यूजिंग द प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट फ्रॉम फोर हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड अब देखो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा था कि टू हंड्रेड एक्स्ट्रा लोगे एट एक में परचेज़ करोगे और फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी जिसकी वजह से कितनी फाइव हंड्रेड ठीक है सेकंड पार्ट में बोला आपको प्रोडक्शन को रिड्यूस करनी है थाउजेंड से सिक्स हंड्रेड और बाय करोगे बाहर से कितने फोर हंड्रेड यूनिट्स आप बाहर से बाय करोगे कितने में सिक्स रुपीज़ में ओके जिसकी वजह से आपकी फ़िक्स कॉस्ट कम हो जाएगी फोर थाउजेंड से थ्री थाउजेंड च ऑल्टरनेटिव द मैनेजमेंट शुड एक्सेप्ट एडवाइस कौन सा मैनेजमेंट चूज करेगी फर्स्ट वाला प्रपोजल या सेकेंड प्रपोजल आपको बताना है ओके तो देखो कैसे करोगे सबसे पहले आप क्या करोगे कंपनी की प्रजेंट पोजिशन बताओगे ओके तो प्रजेंट पोजिशन सेल्स कितनी थी टेन थाउजेंड और प्राइस कितना है टेन सॉरी थाउजेंड यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे और प्राइस कितना था टेन सेल्स कितनी होगी आपकी टोटल टेन थाउजेंड लेस करोगे वेरिएबल कॉस्ट कितना थाउजेंड और वेरिएबल कॉस्ट कितना था फाइव तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई फाइव थाउजेंड ओके फिर आपका सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस होता है तो क्या है? Contribution आता है कॉन्ट्रीब्यूशन आता है कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया फाइव थाउजेंड उसमें से लेस कर दोगे फिक्स कॉस्ट कितना है फोर थाउजेंड था तो आपकी प्रॉफिट कितनी आ जाएगी वन थाउजेंड ओके सबसे पहले आपने सेल्स लिया सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करा कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट या आपने अब फोर्थ चैप्टर में भी पढ़ा था है ना एब्जॉर्बन वर्सेज वेरिएबल कॉस्ट में अब आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है थाउजेंड ठीक है तो अब आपको बताना आपको कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए फर्स्ट और सेकेंड तो देखो वो कैसे करोगे देखो सिंपल वही पर्टिकुलर प्रपोजल फर्स्ट प्रपोजल सेकेंड सबसे पहले क्या लेते हैं सेल्स लेते हैं सेल्स आपको क्या बोल रखा था पहले थाउजेंड इंटू टेन तो रहेगा ही प्लस टू हंड्रेड बढ़ रहा है तो टू हंड्रेड कितना एट से तो इनको सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा इलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है फिर सेकेंड में क्या बोला था सिक्स हंड्रेड तो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो सिक्स हंड्रेड इंटू टेन प्लस फोर हंड्रेड बाहर से बाय कर रहे हो तो फोर हंड्रेड इंटू टेन कितना आ गया आपका टेन थाउजेंड ठीक है सेल्स फिर सेल्स में से हम क्या करते हैं लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट आपकी कैसे आई थाउजेंड इंटू फाइव ये तो पहले का ही था प्लस जो टू हंड्रेड और लेके आए आप उस पर वेरिएबल कॉस्ट कितना फाइव तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई सिक्स थाउजेंड अब इसमें देखो वेरिएबल कॉस्ट कैसे आई सिक्स हंड्रेड तो आप अन, आपका था ही ठीक है जो आप बना रहे हो फाइव प्लस बाहर से जो लेके आए उस पर कितने का वेरिएबल है सिक्स का तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई फिफ्टी फोर हंड्रेड वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दोगे कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका फिर हम क्या करते हैं लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कितना फाइव हंड्रेड से बढ़ रहा था फर्स्ट में तो फोर्टी फाइव हंड्रेड हो गया और सेकेंड वाले केस में थ्री थाउजेंड हो गया ठीक है लेस कर दिया आपकी प्रॉफिट आ गई इलेवन हंड्रेड और सिक्सटीन हंड्रेड और एग्जिस्टिंग प्रॉफिट तो आपको पहले ही दोनों केस में कितना थाउजेंड थाउजेंड हो रहा था फिर एडिशनल कितना प्रॉफिट आ गया एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना आया आपका हंड्रेड और सेकेंड प्रपोजल में सिक्स हंड्रेड तो आप कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे ऑब्वियसली बात है जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है मीन्स सेकेंड प्रपोजल आप एक्सेप्ट करोगे ओके तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कौन सा प्रपोजल आप एक्सेप्ट करोगे एडवाइस ठीक है तो प्रपोजल सेकेंड इज गिविंग एडिशनल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ सिक्स हंड्रेड है ना वेयर एज प्रपोजल फर्स्ट गिव एडिशनल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ हंड्रेड तो प्रपोजल सेकेंड क्या है मोर प्रॉफिटेबल एंड एक्सेप्टेबल ओके अब आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम ओके थैंक यू